हाँ तो यार कैसे हो। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। और देखो इसमें बात करने वाले हैं हम अल्लू अर्जुन के बारे में। उनकी आने वाली लगभग यार 9 मूवीज़ के बारे में आपको बताएंगे कि आने वाले टाइम में उनकी कौन कौन सी मूवी देखनी हो मिलने वाली हैं। और ये जितनी मूवीज़ होने वाली हैं ना, सब एक से एक बढ़ के आने वाली हैं, क्योंकि आपको पता है उनको यार पैन इंडिया लेवल पर सफलता मिल चुकी है। और आने वाली जो भी मूवी होगी उनकी, वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। तो उन्हीं सब मूवीज़ की लिस्ट आपको बताएंगे। तो फिर चलो स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। पर हाँ, आपको एक बात बता दें, अगर आपको अपने फेवरेट स्टार की आने वाली अपकमिंग मूवीज़ के बारे में जानना है तो यार अपने फेवरेट स्टार के नाम को कमेंट कर दो। और बाकी हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। तो देखो स्टार्ट कर ले उनकी पहली मूवी से। तो जो उनकी पहली मूवी होने वाली है वो सबको पता है कि यहाँ पुष्पा 2 होने वाली है, पुष्पा द रूल। और देखो जब ये मूवी निकल के आएगी 2024 के समर में, तो गदर कटेगा। आपको पता है कि इस मूवी के इसमें मार्केट कितना बड़ा है इंडिया में और किस लेवल का है। फिर से वही KGF 2 वाली तबाही आएगी पूरे बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड टूटेंगे। सोचो जब वो बंदा बिना प्रमोशन के आता है तो 100 करोड़ कमा के जाता है। तो सोचो जब प्रमोशन के साथ में और मूवी का नाम पहले ही फेमस हो चुका है, तो जब मूवी आएगी तो कितना गदर मचाएगी। सबको पता है कि जिस दिन भी ये मूवी रिलीज होने वाली है, मतलब तहलका मचने वाला है। एक छोटा सा ग्लिम्स निकल के आया था इस पूरे मूवी की तरफ से, उसी में यार हिंदी की तरफ से लगभग 80 मिलियन व्यूज़ गए थे और रिकॉर्ड टूटा था टीवी सीरीज पे। तो बस वेट करो, जिस दिन भी ये मूवी रिलीज होगी गदर मचेगा। और इस बार तो इसमें स्टारकास्ट और बड़ी हो चुकी है, स्टोरी का लेवल और आगे जा चुका है, बोले तो फुल तरीके से भौकाल मचा पड़ा है इस पूरे मूवी का। उसके बाद जो उनकी अगली मूवी होने वाली है AA22। और देखो इसका अनाउंसमेंट भी यार कुछ दिन पहले ही हुआ था, जहाँ से एक ग्लिम्स निकल के आया था। वैसे बोले तो बस उसमें लुक तो देखने को नहीं मिला था, पर हाँ ये अनाउंसमेंट हो चुका है कि वो डायरेक्टर त्रिविक्रम के साथ में काम करने वाले हैं। ये जोड़ी यार दोबारा हमें चौथी बार देखने को मिल रही है। और इस मूवी से एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है यार कि इसका बजट जो है वो लगभग यार 1200 करोड़ होने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया की सबसे महंगी मूवी हो जाएगी ये। एक फैंटेसी ड्रामा टाइप मूवी होने वाली है शायद, अभी इस पे कंफर्म नहीं हुआ है, पर हाँ इतना ज़रूर पता है कि मूवी का बजट सच में बहुत ज़्यादा होने वाला है। हो सकता है 1200 करोड़ ना हो, पर इतना कंफर्म जरूर है कि काफ़ी ज़्यादा महंगे बजट की मूवी होने वाली है। और भाई कुछ अलग ही देखने को मिलने वाला है इस पूरे मूवी में। और इस कॉम्बिनेशन की मूवी जब भी रिलीज हुई है, जब त्रिविक्रम और अल्लू अर्जुन अपनी मूवी लेके आए हैं, कभी भी लगभग 3 बार आए और तीनों बार यार तहलका मचा है। तो चौथी बार भी उम्मीद है कि पक्का ये बवाल काटेंगे फिर से थिएटर में। तो क्या आप इस मूवी का वेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये भी कमेंट कर दो। ये भी 2024 के लास्ट तक शायद रिलीज होते हुए दिख जाए आपको, या फिर 2025 के स्टार्टिंग में शायद। फिर 2025 में उनकी एक और मूवी देखने को मिलेगी, वो होने वाली है संदीप रेड्डी वांगा के साथ में। और इस मूवी में जो वॉयलेंट देखने को मिलेगा ना, वो बवाल टाइप होगा। मतलब आप पुष्पा को भूल जाओगे, इस लेवल का एक्शन और इस लेवल का वॉयलेंट करेक्टर उनका देखने को मिलने वाला है। और ये कन्फर्म हो चुका है कि हाँ वो AA23 में वो संदीप रेड्डी वांगा के साथ काम करने वाले हैं। तीसरी पूरे मूवी को प्रोड्यूस करने वाला है। मूवी का बजट लगभग यार 500 करोड़ के पास में बताया जा रहा है। और मतलब एक्शन मूवी होने वाली है और लगभग ये सारी चीज़ें कन्फर्म हो चुकी हैं। मतलब प्रोडक्शन क्वालिटी वाइज मूवी यार बहुत आगे जाने वाली है। मूवी का बजट अच्छा खासा होने वाला है। स्टार कास्ट मतलब हर इंडस्ट्री से इसमें शायद एक्टर काम करने वाले हैं। और जिस दिन भी मूवी रिलीज होगी तो कुछ अलग ही देखने को मिलेगा अल्लू अर्जुन के फैंस को, क्योंकि इसमें उनका कैरेक्टर होने वाला है और जितना सुनने में आ रहा है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। और भाई कसम से मज़ा आएगा देखने में, इतना आराम से कह सकते हैं। तो क्या आप इस मूवी का वेट कर रहे हो कि नहीं करो, ये कमेंट कर दो। और क्या चाहते हो कि ये जोड़ी यार आए, इससे पहले आप प्रभास वाली जो मूवी है स्प्रिट उसको देखना चाहते हो, ये कमेंट कर दो। फिर जो उनकी चौथी मूवी होने वाली है इस लिस्ट की, उसमें यार दो डायरेक्टर का नाम जुड़ा हुआ है। शायद वो लोकेश कनगराज की किसी आने वाली मूवी में काम कर सकते हैं और इसका चांस बन रहा है। तो अगर मान के चलें कि उसके बाद अगर वो लोकेश कनगराज की सिनेमेटिक यूनिवर्स में काम करते हैं, तो सोचो उस समय तक LCU का जो रेंज है वो कितना आगे जा चुका होगा। और उसमें जब अल्लू अर्जुन आएंगे तो भाई मूवी क्या गदर काटेगी बॉक्स ऑफिस पे। अभी इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है तो कुछ कंफर्म तो नहीं कह सकते, पर लगभग बहुत जगह से खबर निकल के आ चुकी है कि हाँ अल्लू अर्जुन और लोकेश कनगराज एक बार एक साथ मूवी में नजर आने वाले हैं, एक मूवी पे काम करने वाले हैं और जल्दी उसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं जल्दी हो जाए, ये बस अफवाह नहीं हो। वैसे इस पर बहुत लोग बहुत बार बोल चुके हैं कि हाँ हाँ ऐसा होने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो इसमें कुछ अलग ही देखने लायक होगा। बाकी जो उनकी इस लिस्ट की जो पांचवी मूवी होने वाली है, वो होने वाली डायरेक्टर यार मुरुगदास के साथ में। और इनके साथ भी यार अल्लू अर्जुन की एक प्लानिंग चल रही है एक मूवी को लेके। और अगर अभी कंफर्म नहीं हुआ है, पर अगर आने वाले टाइम अगर फाइनल होता है तो सच में अल्लू अर्जुन की तरफ से कुछ एक अलग स्टोरी देखने को मिल जाएगी, जहाँ तक उम्मीद है। वैसे इस मूवी के बारे में अभी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, चीज़ें इनिशियल स्टेज पर हैं तो क्या ही कह सकते हैं।
पर हाँ इतनी कन्फर्म है कि हो सकता है आने वाले टाइम में इनके साथ भी एक मूवी देखने को मिले अल्लू अर्जुन का, जिसका चर्चा बहुत पहले से चला हुआ आता आ रहा है कि हाँ ये मूवी एक एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है, पर अभी कुछ कन्फर्म नहीं है तो ओके नहीं कह सकते हैं। बाकी जो इस लिस्ट की उनकी जो छठी मूवी होने वाली है वो होने वाली है डायरेक्टर SS राजामौली के साथ में। और देखो ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यार इस चीज़ पे बहुत पहले से मतलब न्यूज़ निकलती हुई आ रही है कि जो डायरेक्टर SS राजामौली हैं वो SSMB 29 के बाद में शायद अल्लू अर्जुन के साथ में काम करेंगे या फिर प्रभास के साथ में काम करेंगे, और इन दोनों स्टारों में से एक के साथ पक्का है। तो अब जिसके साथ भी वो आए सामने पक्का गदर तो मचेगा बॉक्स ऑफिस पे, पर अगर अल्लू अर्जुन के साथ में वो काम करते हैं तो भाई देखने लायक बात होगी कि ये जोड़ी पैन इंडिया लेवल पे और या पैन वर्ल्ड लेवल पे क्या तहलका मचाती है और कितना बवाल काटती है बॉक्स ऑफिस पे और क्या क्या देखने को मिलता है इस जोड़ी की तरफ से। बाकी आप क्या चाहते हो, वो प्रभास के साथ काम करें या अल्लू अर्जुन के साथ काम करें, ये कमेंट कर दो। मैं तो कहूँगा यार अल्लू अर्जुन के साथ ही काम करें, क्योंकि इस जोड़ी को देखने में अलग ही मजा आएगा। जहाँ डायरेक्टर का अपना एक अलग लेवल है, वहीं जो स्टार है उसका एक अपना अलग ही एटीट्यूड है, और जब वो स्क्रीन पे देखने को मिलता है तो गदर काटता है। उसके बाद जो उनकी अगली मूवी निकल के आएगी, जो उनकी सातवीं मूवी होने वाली है, वो होने वाली है डायरेक्टर बायपति सिन्हू के साथ में। और देखो इस बीच में यार बहुत मतलब न्यूज़ निकल के आई कि उनकी मूवी कन्फर्म हो चुकी है और लगभग मतलब बनने वाली थी, पर पता नहीं क्या हुआ कि यार अल्लू अर्जुन ने रिजेक्ट किया था इस चीज़ को। पर आने वाले टाइम में हो सकता है ये जोड़ी यार फिर आपको देखने को मिले और देखने को मिले, क्योंकि यार ये जोड़ी भी जब भी निकल के आई है तो बॉक्स ऑफिस पे यार बवाल मचा है और काफ़ी हद तक ऑडियंस ने सपोर्ट दिखाया है, और अल्लू अर्जुन उनकी मूवीज़ में शूट भी करते हैं, क्योंकि इस टाइप के एक्शन में अल्लू अर्जुन यार बवाल तो काटते हैं, और बायपति सिन्हू ओवर द टॉप एक्शन के लिए तो जाने ही जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है ये जोड़ी फिर से देखने को मिलती है तो पक्का कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, पर स्टोरी से उम्मीद मत लगाना क्योंकि भाई उनकी मूवी में स्टोरी कुछ अलग नहीं होती है। बाकी जो उनकी अगली मूवी होने वाली है वो यार किसी बॉलीवुड डायरेक्टर के साथ में होने वाली है, जिसके लिए चर्चा बहुत पहले से चलती हुई आ रही है, और मे भी वो क्या टाइम में देखने को मिल जाए। बॉलीवुड के बहुत सारे डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहते हैं, और उसमें से यार एक धर्मा प्रोडक्शन भी है और T-Series ने तो उनको साइन कर ही रखा है। तो आने वाले टाइम में देखना उनकी तरफ से और सारी बहुत सारी मूवीज़ का अनाउंसमेंट होने वाला है टाइम पे, और जो कन्फर्म है। पर अभी किसी एक मूवी के बारे में नहीं बोल सकते हैं, किसी एक डायरेक्टर का नाम नहीं बोल सकते हैं। एक दो मूवी को सोच के चलना कि जब Pushpa 2 रिलीज होगी उसके बाद जस्ट उनका अनाउंसमेंट हो जाएगा। वैसे तो यार प्रशांत नील के साथ में भी उनकी एक मूवी का नाम जुड़ चुका है, पर इसको भी यार अभी कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि यार प्रशांत नील के पास जो लाइनअप है वो बहुत लंबी है। अभी वो यार फिलहाल तो सलार पे काम कर ही रहे हैं, उसके बाद वो NTR के साथ काम करने वाले हैं, मे बी उसके बाद यार रामचरण के साथ भी काम करें, बीच में यार KGF 3 भी है। पर कुछ लोग बोलते हैं कि शायद आने वाले टाइम में अल्लू अर्जुन और प्रशांत नील ये दोनों की जोड़ी यार एक बार देखने को मिले आपको थिएटर में एक बड़ी मूवी के साथ में। पर अगर ऐसा होता है तो वो तो चीज़ यार अलग ही देखने लायक होगी एक डार्क करेक्टर में, और जिसको डायरेक्ट कर रहे हो प्रशांत नील, तो उस चीज़ को देखने में एक अलग ही मजा होगा। पर इसको अभी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि चीज़ें यार शायद इनिशियल स्टेज पे हैं और कभी आती हैं कभी हवा बनकर उड़ जाती हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। तो देखो यार यही सारी लिस्ट है जो आने वाले टाइम में अल्लू अर्जुन की तरफ से देखने को मिलने वाली हैं, और इन्हीं सब डायरेक्टर के साथ में वो आने वाले टाइम में काम करने वाले हैं। तो आप इनमें से कौन सी मूवी के लिए बेकरार हो, कौन सी मूवी को चाहते हो कि ना बने, ये कमेंट कर दो। बाकी आपको ये लिस्ट कैसी लगी ये भी बताओ, और अपने फेवरेट स्टार के नाम को कमेंट करो, हम उसके ऊपर वीडियो लाएंगे और जल्दी लाएंगे। बाकी यार चैनल पर नए आए हो तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक मार दो, चैनल पे कमेंट कर दो, शेयर कर दो, जो करना कर डालो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो साथ में।